और अब खबर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की। आज उनके अनशन का चौथा दिन है। डॉक्टर्स की टीम ने अनशन स्थल पर जाकर मंत्री के स्वास्थ्य की जांच की और सुझाव दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। चौथे दिन भी आतिशी का अनशन जारी है। पानी की किल्लत को लेकर लगातार आतिशी गुहार लगा रही थी, जिसके बाद अनसुनी किए जाने पर उन्होंने अनशन करने का निर्णय लिया। आज चौथा दिन है उनके अनशन का। आतिशी कह रही है कि मैं अनशन पर हूं क्योंकि मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है, मेरा बीपी शुगर कम हो रहा है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज चौथा दिन हो गया अनशन करते समय, और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया, और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर वो संज्ञान लें। दूसरा, हमने कहा है कि हम LG साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। LG साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं है। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पंकज, डॉक्टर्स ने आतिशी को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, उस सलाह मानेंगी या फिर ये अनिश्चितकालीन उनका धरना जारी रहने वाला है? देखिए, आतिशी ने जब हेल्थ चेकअप हुआ तो उसके बाद ये ऐलान किया कि वो फिलहाल अनशन अपना जारी रखेंगी, और आज सुबह तमाम मंत्रियों ने भी आतिशी के साथ मुलाकात की, जिसमें दो फैसले लिए गए जिसके बारे में अभी सौरभ भारद्वाज भी जानकारी दे रहे थे। एक की पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और दूसरा LG को इन्वाइट किया गया है वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाने के लिए। तो देखना होगा कि क्या इस अनशन के जरिए दिल्ली वालों को पानी दिलाने में आतिशी कामयाब हो पाएंगी या नहीं। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली और हरियाणा में पानी के मुद्दे पर नूरा कुश्ती है और रद दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से लेकर पॉश साउथ दिल्ली तक के इलाके घोर पानी संकट का सामना कर रहे हैं। टैंकर माफिया लोगों के जेबें पानी के नाम पर खाली कर रहा है। दिल्ली एक महीने से पानी के लिए तरस रही है। 2 जून की रोटी मिल जाएगा, लेकिन 2 जून पानी मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। पानी के लिए मचा यह हाहाकार इसी बात को साबित कर रहा है। टैंकरों पर लोग टूट पड़ रहे हैं, पानी के लिए भागम भाग मची है, चीख पुकार मची है। जरा सा चूके तो पानी मिलने की गारंटी नहीं है। सरकार है कि अनशन पर बैठी है, दिल्ली वाले हैं कि पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए मारामारी मची है। ये चिल्ला गांव की आज सुबह की तस्वीरें हैं। पानी के लिए संकट से लोग परेशान हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक पानी मिलेगा। बहुत ज्यादा पानी के लिए समस्या हो रहा है, सब अपने घर के काम सब छोड़ करके यहाँ पर भागना पड़ता है। 5-5 बजे यहाँ बैठे रहते हैं, नींद हराम हो जाती है। सुबह सुबह सोने का टाइम होता है, पानी के लिए चिंता लगी रहती है। इतनी भीड़ हो जाती है कि जब पानी भी नहीं मिल पाता है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी पानी की कमी कई हफ्तों से इन्हें जारी है। लोग खाली बाल्टी घड़े लिए परेशान हाल दिख रहे हैं। पानी लेने रोज आते हैं, लेकिन पानी दो दो टैंकर आ रहा, साफ नहीं आ रहा पानी। अच्छा।
पानी पीने में बदबू दे रहा है। पानी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। फिलहाल अब दो टैंकर आ रहा है, उसमें भी साफ सुथरा पानी बिल्कुल आ नहीं रहा। साउथ दिल्ली में लोग लगातार पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देवली के एल ब्लॉक की गलियों में रोज इसी तरह पानी के लिए मारामारी मचती है। संकट के खात्मे की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। दिल्ली का पानी संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हैं और अब तो बारिश का ही इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।